तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन रेलवे में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो ऐसे में आ चुकी है। आइए मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। चाहे आप लोग ALP के इंतज़ार कर रहे हो या टेक्नीसियन, JEE, NTPC, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड अदर पोस्ट और भी कुछ ऐसे हैं जो क्रिएट किए गए हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथ ही ग्रुप डी का फिर से 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है, इसके बारे में भी हम चलिए आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और साथ ही टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों की वैकेंसी इस बार सम्मिलित होने वाली है, और आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएंगे तो इस पर भी चलिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे 1.5 लाख लोगों को देगा रोजगार अश्विनी वैष्णव। भुवनेश्वर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना बना रहा है, और साथ ही 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमने यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सहायक लोको पायलट यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही ALP के चयन से लेकर नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैष्णव ने कहा कि ग्रुप डी में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप डी में तकनीकी और गैर तकनीकी श्रेणियों में रोजगार के अधिक अवसर होंगे, और साथ ही वार्षिक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिल सके। और साथ ही पूर्व मध्य रेलवे यहाँ पे देख सकते हैं कि महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवार ने कहा कि रेलवे के नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। रेलवे हर साल नियमित आधार पर रिक्तियाँ निकालेगा, और साथ ही रेलवे का बुनियादी ढांचा और संचालन हर साल बढ़ रहा है। इस दिशा में 20 जनवरी तक 5696 ALP की भर्ती शुरू हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पे जो ग्रुप डी का लिखा गया, तो ग्रुप डी में आपके अप्रॉक्स 1.25 लाख वैकेंसी आने की संभावना है। हालांकि दोस्तों अभी तक सिर्फ 1 लाख सृजित की गई है, लेकिन बताया गया कि जब तक वैकेंसी आएगी तब तक 1.25 या 1.50 के अप्रॉक्स पहुंच सकती है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं रेलवे के द्वारा एक बहुत ही अच्छे पहलू चालू किए गए, जिसमें रेलवे में प्रत्येक साल रिक्तियों का आकलन कर होगी भर्तियां। जी हां दोस्तों, पूर्व मध्य रेल के GM ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर दी जानकारी। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पटना मुख्य संवाददाता राजेंद्र नगर में सहायक लोको पायलट अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद रेलवे महकमा हरकत में आ गया है। पटना में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व मध्य रेल के GM अनिल कुमार खंडेलवार ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हर साल रिक्तियों का आकलन कर भर्तियां होगी, इससे अभ्यर्थियों को हर वर्ष मौका मिलेगा। और साथ ही आप लोग नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ यहाँ पे। अब तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा फायदा यह भी होगा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा पास करेंगे उन्हें तुरंत नियुक्ति कर दिया जाएगा, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि रेलवे की नियुक्ति से जुड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पे में यह लिखा होता है कि जिस समय परीक्षा होगी, पैनल जब बनेगा उस समय अगर रेलवे की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो रिक्तियाँ बढ़ाकर अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं लिखा गया, और साथ ही अभ्यर्थियों के बीच कुछ भ्रांति की स्थिति बना दी जाती है। रेलवे छात्रों के सुझावों पर भी काम कर रहा है, इसके लिए रेलवे की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों को भी बातचीत कर रहा है। और इसके साथ ही मैं बात करूँ तो छात्राहित और रेलवे के हित में जो बेहतर है उस दिशा में काम हो रहा है। साथ ही पटना के 50 कोचिंग संचालकों के साथ हुई बैठक रविवार को रेल प्रशासन और 50 कोचिंग संचालकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें रेल प्रशासन की ओर से पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवार, रेल मंत्री के OSD बेंद प्रकाश एवं रेल भर्ती बोर्ड कार्यपालक निर्देशक यहां पे देख सकते हैं स्थापना राजीव गांधी सहित अन्य अधिकारियों उपस्थित थे। बैठक में रेल प्रशासन की ओर से कोचिंग संचालकों और तथ्यों से अवगत कराया गया। इनसे आग्रह किया गया कि वे रेलवे भर्ती की प्रक्रियाएं से उपजे भर्तियों को दूर करने के लिए छात्रों और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास करें। इससे पहले रेल मंत्री ने भी वीडियो जारी कर अभ्यर्थियों को रेलवे की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से अवगत कराया। और साथ ही आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के अफसरों ने पटना के 50 कोचिंग संचालकों संघ की बैठक, छात्रों के बीच कुछ भ्रांतियाँ हैं, छात्र हित और रेल हित में बेहतरीन की ओर होगा काम। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेलवे में एक बहुत ही अच्छे अमाउंट पे वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोगों का फाइनली अब इंतज़ार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो बताया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक तक आपके नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल ये सारे अपडेट्स थे, और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।